बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। इस वीडियो में 11वें इस्लामियात का मुकम्मल गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये फाइनल गेस्ट पेपर है। अगर ये तमाम सवालात, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, ये अगर आप लोग कर लेते हैं तो 100% आप लोग पंजाब के किसी भी बोर्ड के मुताबिक पेपर देने जा रहे हैं। आप लोगों के 40/40 सब्जेक्टिव पोर्शन में आएंगे और 10/10 ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आएंगे। इंशाल्लाह 100% ये कन्फर्म गेस्ट पेपर हमारा होने वाला है। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार कर लेना है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया होगा उसको भी जाके फॉलो कर लें, क्योंकि सारी अपडेट्स वगैरह ये गेस्ट पेपर की पीडीएफ फॉर्म हम अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर ही शेयर कर रहे होते हैं। तो अभी जाके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें। अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ये देखें, हर एक चैप्टर के अलग अलग लॉन्ग लिख दिए हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला चैप्टर हमारे पास बुनियादी इकाइद, तो इस बुनियादी इकाइद के ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। जिन पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप लोग लिख लिख के याद करें, इंतहाई इंपॉर्टेंट। ये रिपीट होंगे, मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे आ जाएं, इस्लामी तशख्स। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लें। जिन पे वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लिख के तैयार कर लें, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इन पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर ये सारे सवालात आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो 100% आपके पूरे नंबर है। ये आपको पूरे गेस्ट पेपर की PDF व्हाट्सएप चैनल में भी मिल जाएगी और साथ आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट PIEAS.com पर भी मिल जाएगी। वहाँ पर लेटेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर ये पोस्ट होगी, जहाँ पे ये गेस्ट पेपर 11 क्लास होगा। बाब नंबर 3 की बात करें तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट वाले और अच्छे तरीके से कर लें, ये ज़्यादा रिपीटेड है। बाब नंबर 4 के अंदर ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन, साय सित्ता है, तदवीन हदीस के तीनों द्वार हैं, मक्की और मदनी सूरतों की खसूसियात हैं, मुख्तसर नोट लिखें, कुरान मजीद की हिफाजत, कुरान मजीद की तरतीब, और एक और लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, असूल अरबा बयान करें या असूल अरबा पर नोट लिखें। अब बेसिकली ये है शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन ये लॉन्ग में भी आया हुआ बाज़ बोर्ड के अंदर, तो ये वाला शॉर्ट लाजमी तौर पे आपने तैयार करना। आगे चल के शॉर्ट के अंदर लिखा हुआ है, शॉर्ट का शॉर्ट तैयार हो जाएगा, अगर लॉन्ग में आएगा तो भी उतना ही आप लोगों ने लिखना है। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। लॉन्ग यहाँ तक 4 ही चैप्टर मैंने बता दिए, अगर ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते तो 16/16 ईजिली आप लोगों के आ सकते हैं, अगर ओवर राइट या कटिंग नहीं करते हैं। और जिस तरह एक वीडियो में मैंने बता रखा है कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का सही तरीका कौन सा, जाके अभी उस वीडियो को भी देखें कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का असल तरीका कैसे होता है कि नंबर ना कटे। इसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये देखें, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये पहले 9 है, इसके बाद यहाँ पे देखें ये 10 से लेके ये 20 तक यहाँ पे मेंशन हुए हैं, सारे अच्छे तरीके से करना। जैसे है ना मलाइका, तो मलाइका से क्या मुराद है, और एक और MCQs है कि किसके लिए लफ्ज़ रसूल इस्तेमाल होता है, तो याद रखना है मलाइका के लिए हम लफ्ज़ रसूल भी इस्तेमाल किया गया, ठीक है। मलाइका के लिए लफ्ज़ रसूल भी इस्तेमाल करते हैं, मलाइका भी पैगाम पहुंचाते हैं ना खालिक से मखलूक तक, तो इसलिए मलाइका को भी रसूल बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पे ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। ये आप देखेंगे तो टोटल हमारे पास ये कितने शॉर्ट हैं, ये टोटल हमारे पास 32 शॉर्ट हैं। ये देखें, वो इसी की बात कर रहा था, सूरह अरबा के नाम बयान करें, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास मुंतखब आयात हैं, कौन कौन सी करनी है, दूसरी तीसरी चौथी 10वीं 12वीं, ये आयात और मुंतखब अहादीस कौन सी करनी, पहली चौथी छठी 8वीं। लें जी, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन अगर इन चीज़ों को कर लेते हैं आप लोगों के 100% कवर हो जाएंगे, एंड यू कैन ईजिली गेट 24 out of 24 इंशाल्लाह इन शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन। तो यहाँ तक अगर हम बात करें तो हमारे 16/16 लॉन्ग में कन्फर्म हो जाएंगे और 24/24 शॉर्ट में। और ये मैं आपको हकीकी बात एक बता रहा हूँ कि अगर इन चीज़ों को करेंगे तो वाकई में इतने नंबर आएंगे, क्योंकि ये गेस्ट पेपर आप लोगों को वैसे ही देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मोस्ट रिपीटेड है और इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए आप लोगों के 2024 के इम्तहानात के लिए ये इंतहाई इंपॉर्टेंट और इंतहाई यूज़फुल गेस्ट पेपर है, अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लें, बस आप लोगों की मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। इसके बाद एक और वीडियो अपलोड हुई होगी चैनल के ऊपर, आप लोग देखें ऑब्जेक्टिव के लिए, जिसमें मैंने कम्प्लीट आप लोगों के 10/10 मार्क्स की डिटेल बताई है कि ये आप कैसे लेंगे, एक एक MCQs मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो जाके उस वीडियो को भी देखें, आप लोगों की मारूजी भी 100% कवर हो जाएगी और इस गेस्ट पेपर में मैंने पूरा सब्जेक्टिव पोर्शन कवर किया है। लें जी, अगर आप लोग ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के इस्लामियात के अंदर जो 11वीं क्लास के इस्लामियात का आप लोगों का कल पेपर होने जा रहा है, इसमें आप लोगों के आसानी से 50/50 आ जाते हैं। और इसी तरह हमारे इदारे के स्टूडेंट हर साल इस्लामियात में 50/50 और जो 49 वाले काफ़ी लाइन होती है, 48 वाले काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, फिर एक आधा नंबर कट जाता है, किसी का MCQ कोई मिस्टेकनली गलत हो गया या ऐसे ओवरराइट कर लिया, तो वो चीज़ें फिर भी मतलब होती हैं, एडजस्टेबल है कि एक
एक दो नंबर काट के, लेकिन आप स्टूडेंट्स ने पूरा टारगेट सेट करना है। हमारा अजम भी यही है कि आप हर एक स्टूडेंट 50 out of 50 ले इस्लामियात में। केमिस्ट्री का आगे आपका पेपर आएगा, उर्दू का पेपर आएगा, उसमें भी सारी डिटेल में चीज़ें बताएंगे, इंतहाई इंपॉर्टेंट होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, और बाकी आप लोगों के जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें कि ये वाले सवालात कर लें, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। सारा पेपर इन्हीं गेस्ट पेपर में से इंशाल्लाह आएगा। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।